الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاءهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام مخلوقات کو پیدا کیا
बादहु अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा आमिना के लाल ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर, जिनकी अंथक कोशिशों और मेहनतों से अल्लाह का ये दीन हम तक पहुंचा और जिन्होंने सारी तकलीफ़ें और परेशानियां झेल करके हमारी और आपकी फलाह कामयाबी के लिए अल्लाह का दीन हम तक पहुंचाया और हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर ला करके खड़ा किया। अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल हों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अस्हाब पर। दीनी और मिल्ली भाइयों, आज के इस मुख्तसर से खुतबे जुमा में जिस मौजू के तहत कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज़ करना चाहता हूँ वह है मुसलमान की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की, हम तमाम लोगों को हक बात सुनने की और कहने सुनने के साथ साथ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीनी और मिल्ली भाइयों, हमारी ज़िंदगी का ये जो हिस्सा अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में जो हमें ज़िंदगी अता की है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वक्त तो बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि आदमी को एहसास भी नहीं होता कब बचपना था, कब जवानी आई, कब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया, एहसास भी नहीं होता। इस तरह से दुनियावी कारोबार में, दुनियावी कोशिश में इस तरह से मशगूल है कि उसे अपनी ज़िंदगी का एहसास भी नहीं होता और इन ज़िंदगी इख्तिताम पसीर हो जाती और इंसान मौत के दहाने पर जा पहुँचता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हत्ता इदा जाहदहुमुल मौत قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आने लगती है तो क्या कहता है, रब से ये गुजारिश करता है, रब से ये फरमाइश करता है कि ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे। गोया कि इस आयत से इस बात का पता चलता है कि मौत आने से कुछ पहले आदमी को ये एहसास हो जाता है और मौत उसके निगाहों के सामने नज़र आने लगती है। अल्लाह ताला से ये गोया कि ये गुजारिश करता है, अल्लाह ताला से इस बात का इल्तमास करता है, ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं जा करके वो नेक अमल करके आऊँ जो मैं नहीं कर सका हूँ, जो छोड़ाया हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के निज़ाम के खिलाफ हैं। अल्लाह फरमाता है, कल्ला इन्हा कलिमतुन हुवा कायलुहा, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं होने वाला, वो सिर्फ़ एक बात है जो कह रहा है और इसके दरमियान और क़यामत के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया जाएगा, यानी उसे बरसखी ज़िंदगी के अंदर डाल दिया जाता है जिसे हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं और क़यामत तक बरसखी ज़िंदगी में वो रहेगा। और हदीस पाक में अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सेहा वल फराग, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में अक्सर लोग गफलत में हैं, सुस्ती में हैं, काहिली में हैं। वो दोनों नेमतें क्या हैं, सेहत व तंदुरुस्ती और खाली औकात। आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो आप ये ना समझें कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपके पास मौका है कि आप नमाज़े पंज वक्ता की पाबंदी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला आपको इतने सारे कामों में मशगूल कर दे कि आप पढ़ना चाहें तो भी बाजमात नमाज ना पढ़ सकें, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दीजिए। तो ये दो नेमतें, सेहत और तंदुरुस्ती और खाली औकात, इन दोनों नेमतों की हमें कदर करनी चाहिए। मेरे भाइयों, हम में से खुश नसीब हैं हमारे भाई जिन्हें अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है और उसका सही इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और तंदुरुस्ती के जरिए से हलाल तरीके से रोज़ी हासिल कर करके लाते हैं। वहीं बहुत सारे लोग हैं
जो तंदुरुस्ती का गलत इस्तेमाल करते हैं। ना तो अल्लाह की इबादत से कोई मतलब, ना हलाल रिज़्क के कोई मतलब, ना अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत से कोई मतलब, यूँ ही अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को राय गांव पर बात कर देते। इसलिए सेहत और तंदुरुस्ती का सही इस्तेमाल होना चाहिए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आपको इसका अंदाज़ा उस वक्त होगा आप जब किसी अस्पताल में मरीजों की आयादत के लिए जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है कि अल्लाह ताला ने हर तरह की बीमारी से अल्लाह ने मेरी हिफाजत की है और अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी, तब आपको एहसास हो। लेकिन यह एहसास हमें नहीं होता और यहाँ तक कि सेहत और तंदुरुस्ती खो करके हम बीमारी के बिस्तर पर जा करके जब सो जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि तंदुरुस्ती क्या चीज़ होती, तंदुरुस्ती क्या चीज़। इसलिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है सेहत और तंदुरुस्ती, इसकी कदर कीजिए। इसी तरीके से खाली औकात, हम में से बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है माल और दौलत से, कारोबार अच्छा चल रहा है, उनके पास मौका भी है कि चाहें तो नमाज पंज वक्ता की पाबंदी बाजमात कर सकते, लेकिन अपने ऑफिस में बैठे हैं, गप सड़ा के मार रहे हैं, लोगों को बैठा करके दुनियावी गुफ्तगू में मुब्तला हैं, हालांकि उन्हें पता है कि नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह की इबादत के लिए जाना चाहिए लेकिन नहीं आते। मेरे भाइयों, इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, खाली औकात का सही इस्तेमाल कीजिए और खाली औकात में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आखिरत के लिए तोसा तैयार कर लीजिए ताकि कल हमारी और आपकी मगफिरत का बाइस और जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, एक आदमी को नसीहत करते हुए अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, पांच चीज़ों को गनीमत जानो पांच चीज़ों के आने से पहले। पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी ज़िंदगी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है जिसमें इंसान अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों कमा सकता है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से। आज हमारे नौजवान जिन्हें अल्लाह ताला ने जवानी अता की, उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको गनीमत जानो इसलिए कि जवानी की इबादत अल्लाह को ज़्यादा महबूब और पसंदीदा। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व सेहती का क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए हर तरह की बीमारी से। हम और आप में से ही ना जाने कितने अफराद बीमार होकर के, किसी हादसे का शिकार होकर के, किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होकर के अस्पतालों के हवाले किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सेहती का क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। ऐसा नहीं है आपकी, आप जो है बीमारी से भी दो चार हो सकते हैं। अल्लाह जिस रब ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, वह रब आपको बीमार करने पर भी कादिर है। इसलिए जब तक सेहत और तंदुरुस्ती है उसका सही इस्तेमाल कीजिए ताकि वह दूसरे दिनों के लिए आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो। और तीसरी नसीहत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फराग का क़ब्ल शुगल, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने आपके पास खाली औकात अता किया है, अपनी फरागत को गनीमत जानो मशगूलियत के आ जाने से पहले। आपके पास मौका है, आपके पास चांस है, सारे काम आपके हो रहे हैं, आप फुर्सत में हैं, ना आप काम कर रहे हैं, ना आप बोझा ढो रहे हैं, ना आपको कहीं आना जाना है, ऑफिस में बैठे बैठे सारे काम, और इसके बावजूद भी नमाज की पाबंदी, सारे काम कैमरे में बैठ करके पूरी कंपनी का पूरे कारखाने का नजारा कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इसके बावजूद भी नमाज की तौफीक नहीं होती है कि नमाज के लिए जाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पर फरमाया, वह फराग का क़ब्ल शुगल, अपने खाली औकात को गनीमत जानो मशगूलियत के आ जाने से पहले। कहीं ऐसा ना हो
आज मालदार धनी बन करके कुर्सी पर बैठे हो, अल्लाह कहीं लेबर ना बना दे फिर से काम करना पड़े और तुम्हें कोई धनी नमाज की इजाज़त ना दे, ऐसा भी ना हो। अल्लाह ने जिस मकाम पर आपको फाइज किया है उसकी कद्र कीजिए और उस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और शुक्र यह है कि अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अल्लाह की इबादत करने की कोशिश। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी नसीहत यह की, वो गैना का कबला फकरी। अल्लाह ने मालदार बनाया है तो आप ये ना कहें समझें कि आप भी मालदार, आपकी पूरी पुश्त, आने वाली पुश्त मालदार, पूरी नस्लें मालदार, ऐसा नहीं होगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा कि आदमी की जिंदगी में चढ़ाव उतार आते हैं। कभी हमारा रब हमें आजमाता है दे करके और वापस ले करके, और कभी हमारा रब नाराज होकर के हमसे अपनी नेमतें छीन लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वा गिना का कबल फकरे, अपनी मालदारी को गनीमत जानो फकीरी और मोहताजगी आने से पहले। जिस रब ने आपको मालदार बनाया है वो रब आपको फकीर बनाने पर भी कादिर है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। उसे तो सिर्फ कहना है कौन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो अल्लाह कहता हो जा तो वो चीज हो जाती। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है और सिर्फ इतना कहता हो जा तो वो चीज हो जाती है। जिस रब ने आपको माल और दौलत से नवाजा है, माल और दौलत की बुनियाद पर कभी आपके अंदर किब्र ना हो, गुरूर और घमंड पैदा ना हो, बड़कपन पैदा ना हो, दूसरों को हकीर और कमतर कभी समझने की कोशिश ना कीजिए, इसलिए कि ये माल और दौलत ये अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज, इसमें आपका कुछ कमाल नहीं है, ये रब ने दिया है। अगर आपने कभी उसके ऊपर तकब्बुर किया, अकड़ कर चलने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा समझा, तो जिस रब ने आपको दिया है वो रब लेने पर भी कादिर है। और पांचवी नसीहत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की, वो हयात का कबल मौतिक। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तो ये हमेशगी वाली जिंदगी नहीं है, ये हमेशगी वाली जिंदगी नहीं है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम और आप में से हमारे ना जाने कितने अहबाब हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। उसी तरीके से हमें भी जितनी जिंदगी अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दी है उसे पूरा करके इस दुनिया से रुखसत होना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हयात का कबल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम अपने कारोबार का हिसाब करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा बिजनेस ऐसा हो जिसमें नफा ज्यादा हो, फायदा ज्यादा हो, जल्दी हमारे पास माल और दौलत आ जाए, हर किसी की ये कोशिश होती है। इसी तरीके से उखरवी मामले में भी हमें और आपको अपना हिसाब करने की जरूरत। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब करो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हमारी और आपकी पूरी जिंदगी की एक रील तैयार हो रही है, पूरी कैसेट तैयार हो रही है और कल कयामत के दिन उसे हमारे और आपके सामने खोल दिया जाएगा। सारी चीजें हमारे सामने रख दी जाएंगी, तब ये इंसान कहेगा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला साहा, ये कैसी किताब है जिसने ना तो हमारा कोई छोटा अमल छोड़ा है ना बड़ा अमल छोड़ा, बल्कि सारी चीजों को इसने शुमार करके रखा है। ये हमारी और आपकी रिकॉर्डिंग और कैसी भी फेल हो सकती है, लेकिन रब की तरफ से जो हमारे और आपके आमाल लिखे जा रहे हैं ये फेल नहीं हो सकते। पूरा रजिस्टर तैयार हो रहा है और आपके सामने रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि हमें और आपको जब से सो करके सुबह उठते हैं और शाम तक जब तक सो नहीं जाते, हमें और आपको अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि आज हमने कितनी नेकियां की हैं और कितनी नाफरमानी हमसे रब की हुई, तब हमारे अंदर खैर पैदा होगा, अल्लाह की इबादत का जज्बा पैदा होगा, नेकियों में आगे बढ़ने का शौक पैदा होगा। कब? जब हम अपना पूरा रोजाना अपना हिसाब करेंगे अपनी जिंदगी का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो कहा करते थे कि मुझे उतनी नदामत और शर्मिंदगी किसी बात पर नहीं होती थी जितनी नदामत और शर्मिंदगी इस बात पर होती थी
कि मेरी जिंदगी के एक दिन का सूरज गुरूब हो जाए, मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो जाए और मेरे नेक अमाल के अंदर इजाफा ना हो। अल्लाहु अकबर। हमारी और आपकी नदामत और शर्मिंदगी कब होती है? कारोबार फेल हो जाए, किसी मामले में फंस करके हमारी बेइज्जती हो जाए दुनियावी तौर पर, तब हमें नदामत और शर्मिंदगी का एहसास होता है। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा नदामत और शर्मिंदगी इस बात पर होती थी कि मेरी जिंदगी के एक दिन का सूरज गुरूब हो जाए और मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो जाए और मेरे नेक अमाल के अंदर इजाफा ना हो। यह सबसे बड़ी नदामत और शर्मिंदगी का बाइस होता है एक मुसलमान होने के नाते। कुरान और सुन्नत को तस्लीम करने की वजह से सबसे बड़ी नदामत और शर्मिंदगी की बात यह है कि इंसान का एक दिन भी गुजर जाए और उसमें अल्लाह की इबादत ना कर सके, अपने रब को राजी ना कर सके और अपने रब को राजी करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना सके, ये सबसे बड़ी नदामत और शर्मिंदगी की बात। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन ख़म्स, इब्न आदम के कदम कल क़यामत के दिन उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि पांच सवालों के जवाब न दे दे। आप मामूली समझते हैं, अगर इन पांचों सवालों का जवाब देना है तो दुनिया में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, तब आप पांचों सवालों के सही जवाब पर आसानी दे ले जाएंगे। वो पांचों सवाल क्या हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला सवाल जो होगा हमारी पूरी ज़िंदगी का होगा, अन उम्र ही फी माफना, ज़िंदगी को कहाँ गवाए। रब का ये हक है हमारे और आपके ऊपर, जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया है और जो रब हमारी परवरिश करता है, हमें हर तरह की नेमतें देता है, उस रब का ये हक है कि उस रब की इबादत और बंदगी की जाए। अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी का सवाल करेगा, हिसाब लेगा, अन उम्र ही फी माफना। अल्लाह ने जो उम्र दी है 50 साल 40 साल 60 70 साल 80 साल, जो भी उम्र अल्लाह ने अता की है, अल्लाह इस सिलसिले में सवाल करेगा, पूछा जाएगा, आप क्या जवाब देंगे? नमाज छोड़ करके दिन भर मोबाइल में गेम खेलना, लूडो खेलना, इसी तरीके से गंदी चीज़ें देखना, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, इसी तरीके से लोगों के दरमियान बैठ करके गपशप करना, कभी आपको एहसास नहीं होता कि किस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है और हम क्या कर रहे हैं? पूरी जिंदगी का अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा, हिसाब लेगा हम और आपसे। और दूसरा सवाल जिंदगी का एक अहम शोबा जिसका जिक्र पहले हदीस में भी हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह अन शबाब ही फी माबला, जवानी को कहां लगाया, जवानी को किस काम में लगाया, अल्लाह सवाल करेगा। मेरे भाइयों, अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अब जवानों के अंदर भी थोड़ा सा रुझान अल्लाह की इबादत का पैदा हुआ है, नहीं तो आज से कुछ पहले खाली मस्जिदों में वही 50 के बाद वाले मिलते थे, 50 के नीचे वाले बहुत कम मिलते थे, 50 पार वाले ही अक्सर बेशतर गांव और देहात में तो अभी भी वही पोजीशन है, लेकिन शहरों में अब नौजवानों के अंदर भी अल्लाह की इबादत का कुछ जोश और जज्बा पैदा हुआ। तो मेरे भाइयों, ये जवानी जो अल्लाह ने दी है, इस जवानी का अलग से खुसूसी सवाल किया जाएगा, अल्लाह पूछेगा, वो अन शबाब ही फी माबला, जवानी को कहाँ लगाया, अल्लाह की इबादत में लगाया या इसका गलत इस्तेमाल किया। आज जवानों का क्या हाल है? अक्सर जवानों को देखेंगे बुढ़ों से ज़्यादा बुढ़े जवान दिख रहे, हराम चीज़ों का इस्तेमाल, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, गुटखा और गोवा खा करके, मेरे भाइयों तंबाकू खा करके, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके, आज का मौजूदा वक्त का जवान ऐसे ही सूख गया है जैसे चुहारा ऐंठ जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे जवान जो गलत चीज़ों के आदि बन गए, उनकी जवानी खराब हो गई, वो बेकार हो गए। याद रखो, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसका अलग से सवाल करेगा, पूछेगा कि अपनी जवानी को कहाँ लगाया।
मेरे भाइयों, अगर हमने इसका सही इस्तेमाल किया तो सही जवाब दे ले जाएंगे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा और चौथा सवाल जो हमसे कल क़यामत के दिन किया जाएगा वो माल के सिलसिले में होगा। ये हम और आप ऐसी जगह पर आबाद हैं जहाँ तिजारत और बिजनेस, रुपए और पैसे की दिन रात बात होती है, लेन देन की बात होती है, कारोबार की बात होती है। इस ताल्लुक से भी कल क़यामत के दिन सवाल होगा और जब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक आपके कदम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या पूछा जाएगा? वह अन माल ही मिन ऐनक तसबहु व फीमा अनफक्तहु, माल कहां से कमाया? बहुत अहम सवाल है, हर किसी को इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। आज लोगों की सोच ये है, माल हो चाहे जैसा हो, माल आ जाए चाहे जैसा आ जाए, चाहे जैसे आ जाए, हलाल से आए या हराम से आए, सवाल होगा कल क़यामत के दिन वन अन माल ही मिन ऐनक तसबहु व फीमा अनफक्तहु। मेरे भाइयों, सबकी बात नहीं करता लेकिन अक्सर लोगों की बात मैं करता हूं। आप देखेंगे जो हमेशा जूता और मोजा में और फोर व्हीलर गाड़ियों में घूमते हैं, जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अक्सर लोगों के मामलात सही नहीं, अक्सर लोगों के मामलात सही नहीं है। माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, कोशिश ये है कि माल आ जाए चाहे जैसे आ जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। खुशनसीब है हमारे वो भाई, मुबारकबादी के काबिल हैं हमारे वो भाई जो हलाल तरीके से पैसे कमा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं, जायज़ तरीके से कमाते हैं और जायज़ रास्ते में खर्च करते हैं, मुबारकबादी के काबिल। लेकिन बहुत सारे लोग आप देखेंगे मेरे भाइयों, क्या सोच है लोगों की, बड़े बड़े कंपनियों से जिनके कारोबार हैं, मेरे भाइयों सोचते हैं सिर्फ साहब को अपने अंडर में कर लो तो समझो कारखाना कंपनी पूरी तुम्हारी, जो चाहो कचरा भरने के नाम पर पूरी कंपनी का मेटल मटेरियल और क्या क्या भर कर लाने का ये काम मुसलमानों में किया जाता। मेरे भाइयों, नमाजों में पहली सब में नज़र आने वाला मुसलमान कंपनियों में जा करके चोरी करता और करवाता। क्या नसीहत हासिल करेंगे दूसरी कौमें हम और आपसे जो हमारे अमाल से वाकिफ हो जाएंगे कि ये नमाज भी पढ़ता है? क्या यही वो मुसलमान है जिसे मुसलमान कहा जाता है कि मौका पाता है तो नमाज भी पढ़ता है और मौका पाता है तो कंपनियों में डांका भी मारता है? मेरे भाइयों, याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा, पूछा जाएगा वह अन माल ही मिन ऐनक तसबहु व फीमा अनफक्तहु, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। इस बात की तरफ मेरे भाइयों तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम कारोबार से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, तिजारत से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग कंपनियों में इस तरह से भी चोरी करते हैं। माल भेजेंगे एक गाड़ी, चिट्ठी जाएगी दो गाड़ी की, साहब से मैनेजर से सेटिंग रहेगा, लिख देगा रजिस्टर में कितना आया। इस तरह से हराम तरीके से कमा करके चाहते हैं कि उनकी दुनिया खुशगवार हो जाए, लेकिन कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को बखूबी मालूम है हम क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ सच्चाई सच्चाई पर मबनी है, इसलिए जिनके भी इस तरह के कारोबार हों, हराम तरीके से जो कमाने वाले हों, उन्हें तौबा कर लेना चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए, इसलिए कि रोज़ी लेना देना ये हमारा काम नहीं, रोज़ी का जिम्मेदार अल्लाह है। अगर आप चोरी से बाज आ जाएंगे तो आप भूखे नहीं मरेंगे, अगर आप चोरी से बाज आ जाएंगे तो आप जलील नहीं होंगे। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तूअदून, रोज़ी का जिम्मेदार तो आसमान वाला है, रोज़ी का जिम्मेदार आसमान वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, इस सिलसिले में हमें गौर करने की ज़रूरत है, और अगर हमारे कारोबार में ज़र्रा बराबर भी हराम की आमदी से तो उसे हमें और आपको अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है, हराम को हलाल में बदलने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पांचवा और आखिरी सवाल जो कल क़यामत के दिन किया जाएगा वह अन इल्म ही मादा अमिला फी, हम आलिमों से भी सवाल होगा। अल्लाह ने जिन्हें इल्म से नवाजा है, आलिम तो आपको बहुत मिलेंगे, आलिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आलिमों से भी सवाल किया जाएगा कल क़यामत के दिन इल्म के बारे में कि जो तुमने इल्म हासिल किया था उस पर अमल कहाँ तक किया।
सिर्फ दूसरों को समझाया या अपनी जिंदगी में भी कुछ नाफिज किया, कल कयामत के दिन आलिमों से भी, उलमा से भी सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, गोया कि अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ से चाहे आलिम हो चाहे जाहिल, चाहे हाजी हो चाहे नमाजी, मर्द हो या औरत, कोई भी अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा जब तक कि इन पांच सवालों के जवाब नहीं दे देंगे, कल कयामत के दिन आपके कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इन पांचों सवालों का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अपने आप को कुरान और सुन्नत का पाबंद हो जाना चाहिए ताकि कल कयामत के दिन ये पांचों सवालों के जवाब हमारे लिए आसान हो। अल्लाह कुरान में फरमाया, यकीन मानो कल कयामत के दिन आप पछताओगे, आप पछताओगे, लेकिन वहाँ पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, यौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैह या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला, जिस दिन जालिम अपना हाथ चबा चबा करके कहेगा ऐ काश मैंने रसूल के तरीके को अपनाया हो, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलान खलीला, ऐ काश मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता कि उसने हिदायत के आ जाने के बावजूद भी मुझे राय रास्ते गुमराह कर। इसी तरीके से अल्लाह फरमाता है, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अल्लाह फरमाता है, काश आप देखेंगे कि जालिमीन अपना सर मारे शर्म के झुकाए हुए होंगे और क्या कहेंगे, ऐ हमारे रब हमने अपनी आँखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया, यानी जिस चीज़ का सबक हमें तेरे पैगंबर और तेरे दीन के जानने वाले जो हमें दुनिया में बताते थे उनकी बातों पर हमें यकीन नहीं होता था, अब हमने उसे अपनी आँखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया है। रब्बना अबसरना वसमियना फरजियना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून, लिहाजा ऐ हमारे रब हमें दुनिया में वापस भेज दे, अब हमें यकीन हो गया है ताकि हम जा कर के दुनिया में नेक अमल करके। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा, ऐसा दोबारा। इसी तरीके से अल्लाह फरमाता है, वलन युअख्खिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को जब उसका वक्त आ जाता है, उसकी मौत की घड़ी आ जाती है, तो अल्लाह उसे मौखर नहीं करता, अल्लाह उसे चांस और मौका नहीं देता। लिहाजा मेरे भाइयों, वो घड़ी आने से पहले, वो वक्त आने से पहले हमें अपनी इसलाह कर लेनी चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो हमें मौका दिया है, जो ज़िंदगी अता की है हमें और आपको, उसे सही तरीके से कुरान और सुन्नत के दायरे में रख करके उसे गुजारनी चाहिए ताकि रब के नेक बंदों में हमारा शुमार हो, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और इसी तरीके से इस रजामंदी की बुनियाद पर कल क़यामत के दिन हमारा रब हमारे साथ नरमी का मामला फरमाए और इसी तरीके से अपनी अजीम नेमत जन्नत की शक्ल में जो उसने तैयार कर रखा है, हमारा रब अपनी अजीम नेमत जन्नत का हमें मुस्तहिक बनाए। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हो जाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने औकात को तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन से दूर हैं, अल्लाह उनसे तो अपने दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला अल्लाह हमारे भाई जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह जो कर्ज़दार हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी के लिए रास्ते पैदा फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, इनके जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।